आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्मो निर्वय अकाल मूरत अजनि सभम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक हो से भी सच। नानक बाबा की जय बोलते हुए गुरु नानक जयंती के दिन मैं कामिनी खन्ना आप सभी को देती हूँ आज 27 नवंबर 2023 की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। आज चंद्रमा अहोरात्र वृषभ राशि में, नक्षत्र है कृतिका, दोपहर 1:35 तक। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र चंद्रका। आज कार्तिक स्नान समाप्ति, तुलसी विवाह समाप्ति और श्री गुरु नानक जयंती है आज। सबको बधाइयां जी बधाइयां। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेके कन्या राशि पर उच्च के चंद्रमा सूर्य चंद्र के नक्षत्र का असर क्या हुआ। मेष राशि। उच्च के चंद्रमा आपके लिए संचित धन बनाएंगे, परिवार सपोर्ट करेगा धन लाने में, बोलने चालने काउंसलिंग कंसल्टेशन सिंगिंग वगैरह के बिजनेस से फायदा होगा। वृषभ राशि। लग्न में चंद्रमा आपको सुंदर बनाएंगे, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं आज, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, साथ में कूल रहेंगे आज, बड़े सुंदर दिखेंगे आप। मिथुन राशि। प्रेम संबंधों में उछाल आएगा, आपके प्रेमी से आपको खुशी मिलेगी, विदेश रिलेटेड कारोबार अच्छे होंगे, खर्चों पर कंट्रोल आएगा या जो खर्च करेंगे वो उसमें आनंद मिलेगा। कर्क राशि। बहुत खुश रहेंगे आज, धन आएगा माता पक्ष से सपोर्ट और साथ साथ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ फायदे होंगे आपको, केसेस विवाद में भी फायदे हो सकते हैं। सिंह राशि। स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेस आज कर सकते हैं, लेकिन खर्च भी बिजनेस पर होंगे, याद रखिएगा संभल के कीजिएगा, पिता से बहुत ज्यादा सपोर्ट आज मिलेगा। कन्या राशि। आज धन आगमन की सूचना मिल सकती है, कैसे विवाद और संपत्ति से रिलेटेड पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद से आपको थोड़ी मुक्ति मिल सकती है आज। आपके कुछ काम धन से रिलेटेड हो सकते हैं, जो काम ऑफर हो रहा है उसी में धन प्राप्त होगा। तुला राशि। आज उच्च के चंद्रमा तबीयत के लिए डायग्नोज लेके आएंगे, विवाहित जीवन व्यवसायिक पार्टनर के साथ सहयोग मिलेगा, कामकाज ससुराल पक्ष के साथ भी बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि। विवाहित जीवन से सपोर्ट, उनके और व्यवसायिक पार्टनर के सपोर्ट से धन आगमन की सूचना, नए नए काम ऑफर्स बन सकते हैं और यात्रा पर निकलेंगे तो शुभ रहेंगे। धनु राशि। आज आप थोड़ा अपनी तबीयत के विषय में सोच सकते हैं, लोन्स के विषय में, लेकिन उदास ना हो, ज्यादा उदासी है तो पानी ज्यादा पिए, शिव जी और माता की आराधना करें। मकर राशि। बच्चों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे खुशियां प्राप्त होंगी, पढ़ाई विद्या अध्ययन के मार्ग प्रशस्त होंगे, विवाहित जीवन व्यवसायिक पार्टनर के साथ खुशी मिलेगी। कुंभ राशि। माता पक्ष से कई लाभ होंगे, प्रॉपर्टी वाहन से लाभ हो सकते हैं, लोन वगैरह मिल सकते हैं, आज का दिन अच्छा है आपके लिए बैंकिंग व्यवहार करने के लिए भी। मीन राशि। यात्रा पर निकलेंगे तो आपको कई सारी उपलब्धियां होंगी, बच्चों से रिलेटेड समस्याएं आज कुछ रिजल्ट दे सकती हैं और साथ में उनकी अध्ययन पढ़ाई आपकी अध्ययन पढ़ाई जोर पकड़ सकती है। वृषभ के चंद्रमा स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार करने के लिए कई राशि वालों के लिए अच्छे होते हैं और ये सबसे ज़्यादा जो है ये सुहा रहे हैं सिंह राशि वालों को, जिनका कामकाज बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, और ये सुहा रहे हैं कर्क राशि वालों को, जिनको धन आने की पूर्व सूचना मिलेगी, माता पक्ष से सहयोग मिलेगा। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। आइए हम जानते हैं मंगल का बड़ा कारागर द्वितीय उपाय, जिससे आपको सुख चैन मिलेगा, और वो है मंगलवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाना और उनके दर्शन करना, एक नारियल चढ़ाना। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश्वर कृपा से किए देती हूँ। चंद्र कुमार जी कल्याण से लिखते हैं कि लोन चुकाने में बहुत दिक्कत आ रही है, नंबर दिया है इन्होंने 33। चंद्र कुमार जी आपके लोन चुकता हो सकते हैं अगर आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, महालक्ष्मी के मंदिर में निरंतर जाएं और प्रैक्टिकल हो जाएं। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान, फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर।